एशिया के आसूचना रापा खंड के लोगों का आरोप है कि उन्हें मूल सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि यहां बनाए गए पुल जर्जर हो चुके हैं, जिसमें आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसएसएल मानिकपुर को रापा खर्रा सहित आधा दर्जन गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया लोहे का पुल समय के साथ काफी जर्जर हो गया है। डेढ़ दशक पूर्व एसएसएल के द्वारा पुल को बनाया गया था, लेकिन मरम्मत के अभाव में यह पुल आम जनता के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। पुल के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके अस्थायी पुल के लिए प्रबंधन गंभीर नहीं है। मरम्मत के अभाव में लोहे का यह जर्जर पुल समय के साथ काफी जर्जर हो गया है। दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण जान हथेली पर रखकर लोग आना जाना करते हैं। आधा दर्जन गांव के आवागमन का एकमात्र यह रास्ता कई मवेशियों की मौत का वजह बन चुका है। इतना ही नहीं, कई बार बाइक सवार भी रात के अंधेरे में पुल के नीचे गिर चुके हैं। पुल को बदलने के लिए कई बार प्रबंधन से शिकायत की जा चुकी है। रापा खर्रा का यह पुल लगभग 7 गाँव का संपर्क साधा हुआ है। ग्रामीणों को आरोप है कि एसीसीएल प्रबंधन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी वो अनदेखी कर रही है। स्कूल में स्कूली बच्चे भी काफी मात्रा में आवाजाही करते हैं। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए मनोज यादव।